विद्यार्थियों, आज मैं क्लास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। हम लोग जानते हैं कि एक अणु ग्लूकोज से 38 अणु एटीपी प्राप्त होता है, यानी एक अणु ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के तहत 8 एटीपी देता है और क्रेब्स साइकिल में 30 एटीपी देता है। कुल 38 एटीपी एक अणु ग्लूकोज से हमें मिलता है। लेकिन इस एटीपी का जो निर्माण है वो कब होता है ना, जब ये दोनों चक्र में बने जो NADH2 या FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत गुजरते हैं तो वहाँ से हमें 3 अणु ATP प्राप्त होता है NADH2 से, और FADH2 से 2 अणु ATP प्राप्त होता है। आखिर कैसे होता है ना, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में 3 एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है, NADH dehydrogenase complex, cytochrome BC complex, cytochrome oxidase complex और ATP synthase complex। तो ये जो complex है, इस complex में शुरू में क्या होता है ना, जो substrate के साथ hydrogen जुड़ा हुआ था उस hydrogen को remove करता है NAD cofactor, और जहाँ से NADH2 बनते हैं, और NADH2 पुनः प्रोटोन को छोड़कर ATP में परिवर्तित हो जाते हैं, और उस प्रोटॉन क्या होता है ना, इंटर करता है पहली कॉम्प्लेक्स जो कि NADH2 कॉम्प्लेक्स में, और जब भी प्रोटॉन की बात आता है तो वहां साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स जिसको को फैक्टर जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के जो कंपोजिशन है उसमें आयरन सल्फर कंपाउंड और FMA जो कि कैरियर में बहुत के रूप में कार्य करते हैं, और इस प्रोटॉन जो है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बाद जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी मेम्ब्रेन और अंदरूनी मेम्ब्रेन के बीच की स्थान है वहां जाके जमा होता है। इसके बाद आता है सेकेंड कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम डीसी कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स यूबीक्विनॉन फिर वहां से सेकेंड कॉम्प्लेक्स में आता है, जहां भी इस प्रकार के बाहक प्रोटीन होते हैं जो कि साइटोक्रोम बी आयरन सल्फर यौगिक और साइटोक्रोम C1, और इस रास्ता से जाके जो प्रोटॉन पुनः इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा होता है और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है साइटोक्रोम सी में। साइटोक्रोम सी जो का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में, जहाँ की साइटोक्रोम A1 साइटोक्रोम A2 और कॉपर होते हुए पुनः इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स में आ जाता है, और इस मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन को लेने का कार्य करते हैं ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर वो माइनस में परिवर्तित होता है। तो अखिल हम लोग देखते हैं जो प्रोटॉन्स यहाँ से बना, इस प्रोटॉन जो है उस समय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा होकर एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF जो इसे हम कहते हैं उस बॉल ट्रैक करते हैं। जैसे ही अधिक मात्रा में प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जब हो जाता है तो वो किसी भी तरफ बाहर जाने का कोशिश करते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्रोटॉन के लिए इम्परमेबल होता है, और वो प्रोटॉन F0F1 पार्टिकल के रास्ते से पुनः मैट्रिक्स में रिटर्न होकर आ जाता है। जैसे ही F0F1 पार्टिकल्स की यहां से तेजी से मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं उस समय कुछ एनर्जी है वो रिलीज करते हैं, और जो एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड फॉस्फेट बॉन्ड के रूप में ATP के साथ मिलकर ATP बना देता है, अर्थात एक अणु NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत पहला कॉम्प्लेक्स दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरे कॉम्प्लेक्स होके मैट्रिक्स में आता है। इसलिए यहां से 3 ATP और FADH2 जो है वो पहले कॉम्प्लेक्स को काम में नहीं लेते हैं, और FADH2 जो है ये इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन है उनकी सर लिंक पर जुड़ा हुआ अवस्था में रहते हैं, और जो कि FADH2 मतलब एंजाइम लिंक FADH2 एंजाइम मतलब क्या है हम लोग जानते हैं, जो सक्सिलिक एसिड से जो फ्यूमरिक एसिड बनता था उस समय जो FADH जो कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं, और वो डिहाइड्रेशन एंजाइम के साथ यौगिक के रूप में रहते हैं, और FADH2 से इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण जो है यूबीक्विनॉन में होता है, और इसके बाद साइटोक्रोम BC और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के तहत पुनः इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण होता है, और यहां से 2 अणु ATP प्राप्त होता है।
इस रूप में हम लोग जानते हैं, जो एक अणु NADH2 से तीन अणु ATP और एक अणु FADH2 से दो ATP हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ जो 2H प्लस जो प्रोटॉन जो इंटरमेंबरेन स्पेस से तेजी से एंटर किया था मैट्रिक्स में, वो O माइनस के साथ मिलकर जल बनाते हैं, जिस जल को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक ऑर्डर व उपापचयी जल। और इस एटीपी जो 3 ADP जो 3 PI के साथ मिलकर 3 ATP बना, तो ये जो है ये ATP सिंथेटिक इंजन की उपस्थिति होता है जो कि 801 पार्टिकल्स के अंदर रहते हैं और इस रूप से ATP का निर्माण होता है। आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तीन ब्लॉकर है। हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट ब्लॉकर है जो कि NADH dehydrogenase कॉम्प्लेक्स है, इनमें जो शुरू में जो प्रोटॉन के स्थानांतरण होता है जब पहले कॉम्प्लेक्स में, तब यदि हम रोटीनोन की प्रयोग करें तो उसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रुक जाएगा। इसी तरह सेकंड स्टेप में यदि हम यहाँ देखें जो एंटीमाइसिन ए जो कि एक एंटीबायोटिक है उनका यदि हम प्रयोग करते हैं, तो ये साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर यौगिक में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण रोक देता है। तो इस स्टेप में भी हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि साइनाइड की गोली साइनाइड की यदि हम लोग प्रयोग करें, वो कॉपर से जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है उस केस में यहाँ ही ब्लॉक कर देता है। तो इस रूप से हम जो तीन रसायन से तीनों स्टेप में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुआ कैसे NADH2 से ATP प्राप्त होता है या FADH2 से ATP प्राप्त होता है, अर्थात NADH2 बाय FADH2 भविष्य क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के तहत यहाँ से ATP प्राप्त होता है, ये हुआ समराइज है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम।